हमारी हरियाणा सरकार द्वारा ऐसी काफ़ी योजनाएं हैं जो दलितों के लिए लाई जा रही हैं और गवर्नमेंट इसमें काफ़ी पहल भी कर रही है। इसी का कारण है अत्याधुनिक तकनीकी से वाल्मीकि नगर में लगाई गई सोलर पावर लाइट। ये लाइट यहाँ पर किसने लगवाई? यहाँ पर चौक पर बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता था जिसके कारण बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती थी और एक्सीडेंट होते थे, तो हम सभी गली मोहल्ले वालों ने सोचा कि यहाँ पर लाइट की जरूरत है, तो हम सब इकट्ठे होकर अपने वार्ड के एमसी के पास गए और हमने ये लाइट एमसी के द्वारा लगवाई। इस लाइट को लगे तकरीबन 3 साल के करीब हो गए हैं। साल के बाद ये ख़राब हो गई थी, उसके बाद कोई ठीक करने नहीं आया। हम 20 बार जा ली उनके पास पर ठीक नहीं हुई है। और मैं मतलब इस लाइट के बारे में, ये इसको तो कम से कम 1.5-2 साल हो गए ख़राब हुए को, ठीक है अपना ये इसको कितनी बार हम कह चुके हैं अब इसको ठीक करवाने के लिए, ये मतलब ठीक तो किसी ने अभी तक नहीं किया। दिक्कत रात को अंधेरा होता था, आने जाने वाले लोगों को और मोहल्ले में 24 घंटे खतरा बना रहता था। किस चीज़ का खतरा? ये जवान लड़कियां गली से गुजरती हैं इसलिए चौक है ये चोरी, और इसलिए बस ये रहता था कि 24 घंटे यहाँ पर कुछ कांड ना हो जाए। लाइट लगने के बाद लाइट चली जाती थी तब भी ये बलती थी और चांदना भी रहता था, सारा कुछ दिखता था इसमें और कोई भी आता जाता उसको छान सकते थे। ये सोलर पावर लाइट हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब व उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी चलाए जा रहे हैं जो कि पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए लाभकारी हैं। मैं अमित कुमार, इंडिया अनहर्ड के लिए।